आज पाकिस्तान आतंकी हमलों से दहल गया। पेशावर के मर्दान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए दोहरे धमाके में 10 लोगों की मौत होने की खबर है, साथ ही करीब 40 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट भी आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के मर्दान शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने जिला कोर्ट पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के कानूनी समुदाय को निशाना बनाया गया है। मर्दान कोर्ट आत्मघाती हमले से पहले पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी पर 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने हमला बोल दिया था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, साथ ही 2 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक सुबह 6 बजे ही कुछ आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। पेशावर लगातार आतंकियों के निशाने पर रहा है। इससे पहले भी आतंकी कई बार पेशावर की धरती मासूमों के खून से लाल कर चुके हैं। आज हुए आतंकी हमले किसने किए हैं, इसकी जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है। देखते रहिए टीवी लाइव।